एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बहुत ही क्विक रेसिपी बता रही हूँ। मैं आप लोगों को चिकन के सी कबाब बनाना बता रही हूँ। उसके लिए मैंने ये हाफ के जी चिकन ले लिया था बोनलेस। इसको मैंने थोड़ा बारीक नहीं करवाया था, मोटा मोटा कोट लिया था। अब मैं इस सारे मिक्सचर को अपने इसमें डाल दूँगी, ग्राइंडर के अंदर मैं डाल दूँगी इसको। और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और इसको हम स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको सामने दिखाती हूँ, मैंने सब अरेंज करके रखी हुई है। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बहुत ही अच्छी तरीके से आप धो के इसको वॉश कर लेंगे और ड्रेन आउट कर देंगे इसका पानी। अच्छा, ये मैंने प्याज ले ली थी भुनी हुई, मैंने इसको ब्राउन करके प्याज को और फिर वो कर लिया था, ब्राउन करके मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्सी में मिक्स कर लिया था। तो ये देखिए मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ब्राउन प्याज ऐड करूँगी। उसके बाद मेरे पास, मैं इसमें चेडर चीज़ भी ऐड कर रही हूँ। ये आपके पास ऑप्शनल है, आपको मिक्स करना है तो कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही मज़े के चीज़ कबाब हो जाएंगे, आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये आपके पास कोई भी चीज़ हो। अच्छा, मैं बेसन बाइंडिंग के लिए ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें, गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने अभी फ्रेश पीसा है। इसके अंदर जो है मैंने होल जो हमारा गरम मसाला होता है, इसमें जायफल, जवत्री वगैरह वो सब मैंने ऐड किए। थोड़ा सा मैं ये ऐड करूँगी, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बाकी ये जो मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, उसके अंदर कुटा हुआ भुना हुआ जीरा है और लाल मिर्चें हैं और साबित धनिया है। इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। बारीक पीसिएगा, मुँह में आता है तो बच्चे फिर लाइक नहीं करते उसको। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून, सॉरी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड किया था, आप लोग चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऐड नहीं किया है। और इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, जो हमने प्याज ब्राउन करके इसमें ऐड की है ना, उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आई है। इसमें चीज़ जो ऐड की है तो ये फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा इसका। हल्का सा पानी लगा के फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। ये देखें, हल्का सा डिप करेंगे वाटर, और जो भी आपको इसमें शेप देना होगा वो आप शेप दे दीजिएगा। सीख कबाब से चाहे तो आप कर लें इसको। ये देखें, इसी तरीके से मैं सारे बनाती जाऊंगी, और आप लोग ज़रा अच्छा सा शेप दे दीजिएगा उसको, थोड़ी देर मैरिनेट करके रखिएगा। ये देखें, ये मैंने इसको सीख कबाब से, सीख से इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। तो आप इसको इस तरह करके, आपके पास बड़ा स्पेस हो तो आप ग्रिल भी कर सकते हैं सीख कबाब में। मैं जो हूँ इसको फ्राई पैन में तलूंगी जी। तो ये देखें, अब मैंने एहतियात से इसको बहुत ही संभाल के उतारा है और इस पर मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा कैरी करने में प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि मैंने चीज़ जो डाली थी उससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरीके से, ये मैंने टर्न कर लिए, बट बहुत एहतियात से करिएगा, क्योंकि बहुत चिकन का कीमा वैसे ही इतना जो है वो सेंसिटिव होता है। और ये देखें, मैंने डिश आउट कर लिए हैं, सीख कबाब बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें कितने मज़े के बने, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, और अभी गर्म गर्म है ये, बहुत मज़े का। मैंने इसको टेस्ट भी किया है, बिल्कुल जैसे लग रहा है बाज़ार से लेके आए। बाज़ार से बहुत महंगे पड़ेंगे। रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और ये आप कोई भी केचप के साथ
डिश आउट करिएगा, इसको सर्व करिएगा कोई भी केचप के साथ।